रत्नागिरी जिले की सीमा पर ऊंची पहाड़ी पर घने जंगल में स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की साक्ष्य देने वाला बासोटा किला, शिवशंकर का नागेश्वर और पर्वत मंदिर अपनी सीढ़ी के लिए प्रसिद्ध, चकदेव ट्रैकर्स के लिए सैलानियों के लिए अलग अनुभव है। 95 किलोमीटर लंबा शिव सागर जलाशय में नौका विहार का आनंद लेने के लिए तपोला मुनावटे मठ से बोटिंग क्लबों का लगा रहता है और कोरोना काल के दोष बाद पहली बार महाबलेश्वर पंचगढ़ी तापोला का क्रिसमस नए साल की शुरुआत टूरिज्म में काफी तादाद में सैलानी आए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में काफी संख्या में सैलानी यहां पहुंचे हैं। तर हा जो तापोळाचा अत्यंत नयनरम्य असा परिसर आहे आणि आज आम्ही काल महाबळेश्वर वरून या ठिकाणी तापोळ्याला आलेलो आहे। आता आम्ही आयलँड पॉइंटला जाऊन आलो, तसंच त्रिवेणी संगम, दत्त मंदिर असे विविध पॉईंट या ठिकाणी आहेत। तर अत्यंत सुंदर आणि नयनरम्य असा हा परिसर आहे। चारी बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेलं आणि मोठा असा शिवसागर जलाशय, एक सुंदर आणि नेत्रदीपक सौंदर्य या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतं। हम तपोला आए हैं, बहुत अच्छा लगा, क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। वो एक्सपीरियंस बोट में हम गए थे, बहुत वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो आपको बता दें कि महाबलेश्वर पचगने तपोला बाम नोली एक महीने पहले से ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। अब ऑनलाइन महाबलेश्वर पचगने तपोला बुकिंग फुल दिख रही है। भले ही असली पर्यटक आए इस पर्यटक स्थल पर, वे उपलब्ध होटलों को बुक कर छुट्टी का आनंद ले सकते हैं और अभी से लेना शुरू कर दिया है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सतारा से संवाददाता इम्तियाज मुजावर जुड़ चुके हैं। इम्तियाज, क्या अधिक जानकारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रिसमस भी है और नए साल भी आने वाला है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि कई संख्या में श्रद्धालुओं और हम देख रहे हैं कि कई संख्या में जो दर्शक हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और नए साल का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, जो महाराष्ट्र का मिनी कश्मीर जो कहलाने वाला जो महाबलेश्वर पंचगनी और तापोला बामनोली, ये सबसे बेहतरीन टूरिज्म का यहाँ पे प्लेस है। तकरीबन समुद्र स्थल से 4200 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर ये टूरिज्म है महाबलेश्वर पंचगनी, जो बिल्कुल यहाँ पे ठंड अच्छी तरह से होती है यहाँ पे। और दिसंबर के एंडिंग में जबकि नाताल, क्रिसमस और नए साल की शुरुआत करने के लिए जो महाराष्ट्र का जो मिनी कश्मीर जो कहते हैं महाबलेश्वर पंचगनी, यहाँ पे लाखों की तादाद में सैलानी आते हैं। महाबलेश्वर के करीबी तापोला जो कोयना बैक वाटर है, तकरीबन 95 किलोमीटर की ये जो दूरी है, ये 95 किलोमीटर पूरा यहाँ पे बैक वाटर है कोयना डैम का। इस बैक वाटर में सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ पे बोटिंग के लिए जाते हैं, जो बढ़िया आनंद भी लुटाते हैं। तकरीबन कोरोना के 2 साल बाद सबसे ज्यादा सैलानी की रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज हुई है महाबलेश्वर पंचगनी में। अब तक के जानकारी के तकरीबन 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे सैलानी टूरिज्म यहाँ पे आए हैं जी, और काफी क्रिसमस का भी आनंद उठा रहे हैं नए साल के स्वागत के लिए। तकरीबन 5 से 6 दिन पहले ही 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट महाबलेश्वर पंचगनी और तापोला में आए। इम्तियाज, अगर बात करें तो किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि दार्शनिक स्थल होने के साथ ही क्रिसमस भी है और नए साल भी आने वाला है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि अति संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी वहां पहुंचते हैं, सैलानी भी पहुंचते हैं, ऐसे में वहां सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की गई है, भीड़ को किस तरह से वहां मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल, महाबलेश्वर के म्युनिसिपल के जो सीईओ है और पंचगनी के जो म्युनिसिपल के जो सीईओ जो मुख्याधिकारी है, उन्होंने और लोकल जो पुलिस है सातारा डिस्ट्रिक्ट के एसपी समीर शेख, उन्होंने भी यहाँ पे पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया है। तकरीबन ट्रैफिक और टूरिज्म, लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं तो उनको इन एडवांस में ही उन लोगों को कहीं भी ट्रैफिक जाम ना हो और टूरिस्ट जो आए उनको अच्छी तरह से यहाँ पे मजा लेने के लिए और अच्छी तरह से टूरिस्ट के लिए लोकल लोगों को भी उसका आनंद मिले, लोकल लोगों की जो जितने भी व्यापारी है उन लोगों का भी अच्छा बिजनेस हो,
इसी माध्यम से लोकल म्युनिसिपल और नगर पालिका प्रशासन और पुलिस इन लोगों ने अच्छी तरह से यहाँ पे नियोजन किया है ताकि कहीं ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को अच्छी तरह से टूरिज्म का आनंद मिले, यहाँ उसके हिसाब से ही यहाँ पे नियोजन हुआ है। जी इम्तियाज, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए।